सो लाइकवाइज ये कुछ तरीके हैं जहां से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ डिजाइन डेली। मैं आपका भाई बीकू सर। आज हम लोग बात करने वाले कि जेई मेंस और नाटा को कैसे अच्छे तरीके से पढ़े। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट गुड रैंक, गुड मार्क्स इन जेई मेंस एंड नाटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जेई मेंस क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। और गाइज एक और बात कि ये वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, थोड़ा लंबा हो सकता है बट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन एवरी स्टेज ऑफ एग्जाम। क्योंकि लाइक आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, एवरीथिंग, कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, लाइक कौन सी, लाइक कहाँ से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, सब कुछ। तो जैसे कि जेई मेंस है, जेई मेंस में तीन सेक्शन होता है, एप्टीट्यूड, ड्रॉइंग और मैथ्स। तो बेसिकली जो मैथ्स होता है, मैथ्स तो आप 12th बोर्ड में, जो 12th बोर्ड में बेसिकली जो रिपीट नहीं कर रहे जो 12th में, उसके लिए मैथ्स बहुत ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो मैथ्स उनका होता ही है सब्जेक्ट। तो आपको वहां पे थोड़ी कमांडिंग बनानी है ताकि आप उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। देन अगेन मैं बात करता हूँ ड्रॉइंग की। ऑब्वियसली जो नाटा की प्रिपरेशन कर रहा है जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, वो ऑब्वियसली कोई कोचिंग क्लास तो आपने लगाई होगी, और अगर से नहीं लगाया होगा तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के, आप जाओ वहां पे, हम लोग क्लास ले रहे हैं, हर दिन रेगुलर क्लास हो रही है। बेसिकली अभी तो शायद क्लास में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव चल रहा है, ये वीडियो शायद जब आए तब तक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव चालू हो जाएगा, बट जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा रिपीट करवाया जाएगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के जाके ज्वाइन करो। एंड अगेन थर्ड चीज की एप्टीट्यूड, तो मोस्टली लोगों को ये डाउट होता है कि एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े। तो ये तीन रास्ते होते हैं पढ़ने के। पहला रास्ता है कि आप कोई बुक परचेस करें, दूसरा रास्ता है कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, और थर्ड है कि कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें जो कि आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करे, है ना। सो हम लोग पहले चीज के बारे में बात करते हैं, बुक्स की। बुक्स कौन से आप यूज कर सकते हो? देखो पर्सनली मैं खुद आर्किटेक्चर स्टूडेंट था हूँ, और मैंने खुद लाइक एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए, तो मैंने कौन सी बुक्स यूज की थी। तो आप सबसे पहले निमिष मदान की बुक ले सकते हो, जिसके आप थोड़ा लाइक एप्टीट्यूड सेक्शन आपका स्ट्रांग हो सकता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए AR सदन नामी ऐसा कुछ बुक का नाम है, मैं अभी चल रहा हूँ, ये बुक ऑर्डर कर लेना, और मैं इसके अमेजोन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। निमिष मदान की भी कर दूंगा, और एक बुक का नाम है, कोई एक बुक है मुझे अभी उसका नाम पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, वो ड्रॉइंग सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन बुक्स अगर से आप ले लेते हो तो आपको कोई भी बुक्स लाइक नाटक के लिए अलग से या जेई मेंस के लिए अलग से नहीं, सारी बुक्स मतलब आप इन बुक्स से सब कुछ कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू, अगर से आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे या फिर आपके पास उसके बंडल्स होंगे, सेट्स होंगे, तो आप वहां से क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अगर से ये आपको चाहिए तो आप लोग इंटरनेट में सर्च कर लो, सारे प्रीवियस ईयर निकाल लो, तो समझ में आ जाएगा कि यार किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपके हेल्प हो जाएगी और काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगेन थर्ड कि अब क्वेश्चन पेपर जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करेंगे उससे भी हेल्प होगी। वो कहाँ से लाना, अगर से आप कोचिंग क्लासेस में, तो ऑब्वियसली वो आपको सेट ऑफ पेपर्स बिल्कुल देंगे और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और दूसरे अगर से नहीं लगाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डिजाइन डेली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, हम लोग आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, जहां पे हम आपको पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2021 में जो एग्जाम देने वाला है उन लोगों के लिए ये है, 2022 के लिए दूसरा वीडियो बाद में आएगा। अगर से उनको भी पढ़ना है तो अभी फिलहाल वो कॉमेंट में पूछे मुझे जो भी डाउट है, बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 2021 जो स्टूडेंट अपियर होने वाले एग्जाम के लिए जो देने वाले, वो उन लोगों के लिए ही है। अब ये बात हो गई जेई मेंस में, अब अच्छे मार्क्स कैसे लाए जेई मेंस में। देखिए गाइस मोस्टली चीजें होती है ना कि लोग एप्टीट्यूड को रट लेते हैं, ड्राइंग उनका ऑलमोस्ट अच्छा होता है तो वहां पे स्कोरिंग अच्छी हो जाती है, बट तब भी रैंकिंग क्यों नहीं आती, वो होती है मैथ्स की। मोस्टली लोगों के मिथ्स होते हैं, मैं ना मैथ्स छोड़ दूंगा, मुझे नहीं आता है तो मैं मैथ्स को नहीं करूंगा, मैं मैथ्स को थोड़ा आखिरी में करूंगा जितना आएगा। लेकिन आखिरी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैथ्स की कमांडिंग अच्छी हो तो आपकी रैंक अच्छी बढ़ेगी। तो की पॉइंट समझ रहे हो आप, मैथ्स आपको अच्छा करना है। अब मैथ्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेसन है वो मैं आपको खुद बताऊंगा, तो शायद मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैथ्स में कितने लाइक वेटेज कितना होगा, मैथ्स में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होगा, तो मैं वो भी डाल दूंगा, आप वो भी देख लेना, वो भी चेकआउट कर लो ताकि आपको उससे ज्यादा हेल्प हो। तो मैथ्स बहुत ज्यादा तगड़ा करो ताकि आपकी रैंकिंग अप हो, है ना। और अगेन थर्ड कि ड्राइंग सेक्शन लाइक बहुत परफेक्ट कर लो, लाइक उसमें बहुत से लोग स्कोर नहीं कर पाते,
क्योंकि लोग सिर्फ मस्ती मस्ती में दे देते हैं, तो वो भी चीज होती है। तो आप ड्राइंग सेक्शन को बहुत अच्छे से कर लो, और एप्टीट्यूड तो आपको मैथ्स के बाद आपको एप्टीट्यूड के लिए प्रेफरेंस देना है, क्योंकि कैसे कि ड्राइंग मोस्टली लोगों की उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती, तो आपको एप्टीट्यूड इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना है कि लाइक उसमें ना बहुत कम गलतियां करो, निगेटिव मार्किंग कम हो। अब एक बात आ जाती है निगेटिव मार्किंग, जेई मेंस में निगेटिव मार्किंग होती है, नाटा में नहीं होती। तो जो निगेटिव मार्किंग है तो उस पर ज्यादा फोकस करो कि हम लोग निगेटिव मार्किंग कम करें, इससे में रैंकिंग और ज्यादा बूस्ट होगी। खैर आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हो। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाटा सेक्शन की। अब नाटा नाटा में क्या होता है कि अभी इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पिछले साल से डाल दिया बिकॉज ऑफ कोविड, और ड्राइंग के जगह उन्होंने दिया पीटीक्यू। तो बेसिकली जो पीटीक्यू होता है ना वो तो काफी ज्यादा इजी होता है, स्टूडेंट को लगता है बहुत ज्यादा हार्ड है। उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स को प्रेफरेंस देने होती है, लाइक अगर से मुझे मार्केट जाना है मेरे घर से तो कौन से रास्ते कितने रास्ते आ रहे हैं, तो मैं गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4। तो अब मुझे प्रेफरेंस देना है कि सबसे जल्दी कौन से रास्ते से पहुंचूंगा, जिस रास्ते से जल्दी पहुंचा उसको मुझे प्रेफरेंस देना कि गली नंबर से 3 मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा मार्केट। अब गली नंबर 1 जो नंबर 1 है, मैं गली नंबर 3 के बाद उसे थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा, मतलब 2 मिनट लेट, गली नंबर 4 उससे थोड़ा, और गली नंबर 2 उससे थोड़ा लेट। तो मतलब प्रेफरेंस देनी है आपको कि गली नंबर 3 जल्दी पहुंचूंगा, गली नंबर 1 उससे थोड़ा मतलब 2 मिनट लेट हो जाऊंगा, गली नंबर 4 से थोड़ा सा और लेट हो जाऊंगा, और गली नंबर 2 से और ज्यादा लेट हो जाऊंगा। तो इस टाइप की प्रिफरेंस पीटीक्यू में पूछता है, या फिर डिजाइनिंग के बारे में जो डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है पीटीक्यू में। बट मुझे नहीं लगता कि इस बार पीटीक्यू होगा, क्योंकि ड्राइंग बहुत ज्यादा जरूरी है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको ऑब्वियसली इस साल पीटीक्यू शायद निकाल सकते हैं, बट उसके लिए प्रिपेयर करना है, हमको छोड़ना नहीं है उसको, अगर से नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स डिपेंड ऑन कि क्या होता है कोविड में। तो अगेन वन थिंग कि आपको पीटीक्यू के लिए भी पढ़ना है प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से, और मैं भी खुद आगे क्वेश्चंस डालूंगा, ड्राइंग भी बहुत अच्छे से करना है, और बाकी जो चीज है पीसीएम। अब पीसीएम जो लड़के डर जाते हैं कि यार पीसीएम है, इसमें हम लोग का पहले ही फिजिक्स मेरा थोड़ा लो है, फिजिक्स मोस्टली लोगों का बहुत ज्यादा मतलब खराब होता है, और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री भी होता है लाइक प्रिफरेंस। तो मैंने जैसे बताया कि आप अगर से जेईई मेंस पे पढ़े तो आपका तो मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कुछ मिला के 12 या 16 क्वेश्चंस आते हैं, मेरे हिसाब से 12 क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मिलाकर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार हाँ मुझे ना फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा और अपग्रेड करना है, उसमें आपको मेहनत, अगर से अच्छा कॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। जो नाटा का एप्टीट्यूड होता है वो लगभग कहीं ना कहीं सेम होता है, और जो बाकी बचा रहा ड्राइंग, ड्राइंग नाटा का थोड़ा सा हार्ड होता है। सो लाइक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ड्राइंग में नाटा के लिए, और पीसीएम उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, महाराष्ट्र लेवल का होता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, लाइक प्रीवियस ईयर्स के आप एमएसटी सीटी की बुक खरीद लो, अरिहंत पब्लिकेशन की, और उससे आप लोग एमएसटी टी के पीसीएम क्वेश्चन लगा लो, तो आपको कहीं ना कहीं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नाटक के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। और एप्टीट्यूड के लिए जो मैंने बुक्स बताई थी, निमिष मदान, यार सदन इस्नामी, और एक ड्रॉइंग के लिए जो मैंने बताई, उन चीजों से, उन तीनों बुक से आपकी बहुत 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 अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो ये कुछ चीजें थी जिससे कहीं ना कहीं आप वो बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प होगी। अब बात करते हैं कि रैंकिंग कैसे पढ़ा है। रैंकिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैथ्स के लिए 1 घंटा दो, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा दो, फिजिक्स के लिए 1 घंटा दो, ये 3 घंटे हो गए। ड्राइंग के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे दो, और एप्टीट्यूड के लिए भी, और एप्टीट्यूड के लिए आपको 2 घंटे देना, मतलब 2 + 2 = 4, और ये 3, मतलब आपको लगभग 7 घंटे होते हैं। बट मैं बोलूंगा कि अगर आप इंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 12 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए बोर्ड्स पकड़ कर, मैं बोर्ड छोड़कर नहीं बोल रहा, मैं बोर्ड पकड़ कर बोल रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ना चाहिए लगभग, और जान लगा दो लिटरली। इफ यू वॉन्ट अ गुड कॉलेज देन यू हैव टू वर्क हार्ड। लुक गाइज, मैं जानता हूँ कि मैं हर वीडियोज में कहता हूँ कि यार कॉलेज मैटर नहीं करता, वो कॉलेज मैटर तब नहीं करता जब आपके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स है। बट अगर सबको अपने आप को इवॉल्व करना है ना तो इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए, तो बहुत घटिया कॉलेज में भी नहीं जाना है। तो कॉलेज वैसे मैटर नहीं करता, बट बहुत घटिया कॉलेज में भी नहीं जाना जहाँ पे फैकल्टी बहुत ज्यादा बेकार है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम अच्छा स्कोर करते तो हमें इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। हमेशा अपने आपको बेस्ट रखने की कोशिश करो, और मैं आपका भाई बिल्कुल से आपको बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा हर एक स्टेज में लाइफ में। सो लाइकवाइज ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप अपने आपको अपग्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लाइक गाइस देखो, मैं बस बोलूंगा कि यार काफी ज्यादा मेहनत करो, लाइक काफी ज्यादा, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी ताकत लगा सकते हो एंट्रेंस के लिए उतनी लगा दो। और ये भी है कि एक बार कॉलेज में चले गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि लाइफ सेट है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछो, और यार ऐसे ही प्यार करो, दोस्तों
दोस्तों को शेयर करो पसंद आई तो। और एक गाइज, हाँ एक और बात गाइज, कि अगर से आपका भी दोस्त है जो कोचिंग क्लासेस नहीं लगाए बट उसको मतलब आर्किटेक्चर में आना है, तो प्लीज़ गाइज लाइक जो मेरे सारे पॉडकास्ट होते हैं जो अभी आएंगे मेरे आ चुके वो आपको बहुत हेल्प करेगी, उसको भी रिकमेंडेड करो, खुद भी पूरा सुनो। लाइक हम लोग भी कोशिश करें कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा हम लोग रिजल्ट दे, बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो बनाए आपके लिए। सो ऐसे ही प्यार दो। और सो दिस वॉज वीर कोसे एंड टीम साइनिंग ऑफ।